हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक पंडित है। मैं आपको बीजगणित का घटाना सिखाने वाला हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 16ab प्लस 9b में से 8ab प्लस 6b को माइनस करना है हमें। में से का मतलब होता है घटाना। यहाँ पे जो है में से का मतलब होता है घटाना। यहाँ देखिए 16ab है हमारे पास, ab एक पद है। यहाँ पे 8ab है, ये भी ab एक पद है। 9b है, यहाँ भी b एक पद है। ठीक है, तो समान पदों को हम समान एक साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास 16ab प्लस 9b में से घटाना है 8ab प्लस 6b। अब तो घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस मानते हैं। ठीक है, हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस वाला जो साइन चेंज हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 16 में से 8 गया, 8 बचेगा और ये ए और बी हम वेरिएबल को सेम ही लिखेंगे। ठीक है, माइनस उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 में से 6 गया, अब इस साइन को देखेंगे। ठीक है, माइनस का है तो हम 6 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 का कितना बचेगा, प्लस का 3b। प्लस का क्यों आएगा, प्लस का इसलिए आएगा कि बड़ी संख्या किसमें, प्लस में है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया सॉल्व आंसर। क्वेश्चन है 5a प्लस 16b प्लस 18ab में से 3a प्लस 15b प्लस 10ab को माइनस करना है। में से का मतलब मैंने अभी बताया था घटाना होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, a एक पद है, यहाँ भी एक पद a है, यहाँ b एक पद है, यहाँ भी b पद है, यहाँ पे क्या है ab पद है, यहाँ भी ab पद है। हम क्या करेंगे, समान पदों को एक साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 5a प्लस 16b प्लस 18ab, यहाँ पे 5a के साथ 3a आ जाएगा, 3a प्लस 16b के साथ 15b आ जाएगा, 15b प्लस 18ab के साथ 10ab आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है तो यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस साइन होता है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस साइन को माइनस में चेंज कर देंगे, ये प्लस साइन को माइनस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 5 में से 3 गया, 2a बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का आएगा, 16 में से 15 गया प्लस का b बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए प्लस का आएगा, प्लस 18 में से 10 गया 8ab। यहाँ पर आंसर हो गया दूसरा 2a प्लस b प्लस 8ab। दोस्तों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 9a माइनस 6b प्लस 8ab में से 8a प्लस 3b माइनस 13ab को माइनस करना है। तो में से मतलब होता है माइनस, तो समान पदों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे 9a माइनस 6b प्लस 8ab, यहाँ देखिए यहाँ पे साइन क्या है, चिन्ह क्या है, चेंज है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समान पदों को एक साथ लिखना है। जैसे 9a हो गया तो उसके साथ 8a आ जाएगा, ये देखिए प्लस का हो गया, ये 6b के साथ प्लस का 3b आ जाएगा, उसके बाद फिर माइनस का 8ab के साथ 13ab आ जाएगा, उसके बाद तीनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह को माइनस में बदलेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, हमें हमेशा देखना है नीचे वाले चिन्ह को। ठीक है, अगर प्लस में रहे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहे तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में कर दिया, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए 9a है उसमें से 8a को माइनस करना है तो 9 में से 8 गया a आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ये देखिए माइनस का 6b और माइनस का 3b,
तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर तीन वही रहेगा माइनस का। उसके बाद 6 और 3 9 भी, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी ये माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो गया है। तो 13 प्लस 8 मतलब 8 AB में प्लस करेंगे 13 AB तो कितना हो जाएगा, 8 और 13 21 AB। ये हो गया हमारे पास आंसर, ए माइनस 9 BB प्लस 21 AB। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, 15A-3B-8AB में से माइनस करना है 7A+3B+2AB को। अब यहाँ देखिए दोनों चीज माइनस में, यहाँ दोनों चीज प्लस में है, इसमें से हमें माइनस करना है 15A-3B-8AB में से माइनस करना है 7A+3B+2AB को। तो समान पदों को एक साथ लिखेंगे, जैसे 15A-3B-8AB इसमें से माइनस करना हमें, समान पदों को लिखेंगे ए वाले एक साथ प्लस 3B+2AB, उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस हो जाएगा, इसको चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, और ये जो है प्लस का चिन्ह है इसको भी माइनस में चेंज करेंगे, ये प्लस का चिन्ह इसको भी माइनस में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 15 में से 7 गया, यहाँ जगह 8A प्लस का बड़ी संख्या किसमें है प्लस में है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह रहेगा 3 और 3 6B, ये भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का ही 8 और 2 10 AB। ये हमारे पास आंसर हो गया 8A-6B-10AB। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।